गुड मॉर्निंग। तो मेरे ख्याल से होमवर्क हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। बस खत्म होने वाला है बेटे, क्वेश्चन नंबर 80 और पेज नंबर 30 पे मिलेगा ये आपको। क्वेश्चन बड़ा जरूर दिख रहा है, बड़ा है नहीं, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तैयार हो? ठीक है, ए बी सी लिखते हुए करेंगे जहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगी। ए बी सी लिमिटेड सेल्स कंप्यूटर सर्विस टू इट्स क्लाइंट। ठीक है, द कंपनी हैज रिसेंटली कंप्लीटेड अ फिजिबिलिटी स्टडी एंड डिसाइडेड टू एक्वायर एन एडिशनल। इन लोगों को कंप्यूटर खरीदना है, कंप्यूटर चाहिए। तो कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर खरीदोगे कैसे? तो बोले एक काम करते हैं हम ना, क्यों ना ऐसा करें कि खरीद ही ले। बाय कितने कॉस्ट का पड़ेगा? 2,30,000। मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स एंड इंश्योरेंस विल बी 20,000 पर ईयर। इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा, प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ रहा है भाई, क्या जमाना आ गया। इंश्योरेंस 20,000 पर एनम। इंश्योरेंस करो, खरीदोगे बेटे, खरीदने पे तो इंश्योरेंस हमको करवाना पड़ता है। इसके अलावा दी एडिशनल एक्सपेंसेस टू ऑपरेट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑपरेट करने का भी खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। 80,000 पर एनम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, बाद में सोचेंगे। इफ द कंप्यूटर इज रेंटेड फ्रॉम द ओनर, मतलब अगर हम लीज पर ले, द एनुअल लीज रेंट विल बी 85,000 प्लस 5% एनुअल बिलिंग। याद है क्वेश्चन रेवेन्यू का हमने लिया था, वैसी वाला क्वेश्चन है भाई ये तो। द रेंट इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर, कितने साल के लिए रेंट पे ले रहे हो पहले ये तो बता दो। कहीं लिखा नहीं है, चलो देख लेंगे अभी। अच्छा 3 लिखा, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ 3 years। अब अच्छे से पढ़ोगे तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 3 के लिए लीज पे रेंट लेना है 85,000, और यहाँ भी कितना आएगा 85,000, और यहाँ भी कितना आएगा 85,000 प्लस 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 कुछ बिलिंग जो होगा ना एनुअल बिलिंग उसका 5%। द रेंट इज ड्यू, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू कॉम्पिटिशन कंडीशन द कंपनी फील्स दैट इट विल बी नेसेसरी टू रिप्लेस द कंप्यूटर एट द एंड ऑफ 3 years। तो लाइफ कितनी होगी? 3 years विद अ मोर एडवांस, बोले 3 बाद ना एडवांस मॉडल आ जाएगा, तो हम चाहे तो खरीदोगे चाहो तो रेंट पे लोगे, इसको हटा देंगे। और कितने में? रिसेल वैल्यू 1,10,000 सेल्वेस। टैक्स का रेट है 50% और डेप्रिसिएशन का मेथड है SLM। ठीक है, द एस्टिमेटेड एनुअल बिलिंग ये तो चाहिए था। पहले साल 2,20,000 का बिलिंग है, तो यहां 2,20,000 का 5% और जोड़ेंगे। दूसरे साल 2,60,000, 5% और जाएंगे, और तीसरे साल भी बोले 2,60,000 का बिलिंग रहेगा तो उसका 5% और छोड़ देंगे। ठीक है, इफ द कंप्यूटर इज परचेज द कंपनी विल बोरो टू फाइनेंस, यही तो दिक्कत है, यहाँ बोरो बता दिया। ठीक है, देखते 16% के हिसाब से इंटरेस्ट विल बी पेड रेगुलरली, इंटरेस्ट विल बी पेड रेगुलरली एंड द प्रिंसिपल विल बी रिटर्न इन 1 lump sum एट, ये इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, थैंक गॉड। बोले अगर आप 2,30,000 उधार लेते हो तो हर साल इंटरेस्ट पैट करोगे, पहले साल भी 2,30,000 पे, दूसरे साल भी 2,30,000 पे, तीसरे साल भी 2,30,000 पर, और तीसरे साल में पूरा 2,30,000 बैंक वाले को वापस कर देंगे। तो इसमें तो हमको कोई इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा। शुड द कंपनी परचेज द कंप्यूटर, परचेज करना या लीज करना, SLM मेथड है, फिर से बता दिया, सैलवेज भी बता दिया है, और इवेलुएट द प्रपोजल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दे, नहीं 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 एंड इवेलुएट द प्रपोजल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आल्सो 20%। ठीक
ठीक है, देखते हैं। मतलब वो ये बोल रहा होगा कि सैलरीज 1,10,000 है एंड इवेलुएट द प्रपोजल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो 12%। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ऊपर भी जो डिस्काउंटिंग करना है वो 12% सिर्फ किसकी वजह से, आल्सो के शब्द की वजह से। हालांकि ये आल्सो शब्द नहीं लिखा रहा है तो मैं सीधा सीधा केडी से डिस्काउंटिंग कर दूंगा। सब प्रैक्टिस मैनुअल ने क्या कर रखा, दोनों ही अल्टरनेटिव कर रखा है, तो मैं भी यहाँ केडी से ही डिस्काउंट करने की कोशिश करूंगा। ये इस आल्सो लिखा है इसकी वजह से, प्रैक्टिस मैनुअल ने दोनों ही अल्टरनेटिव से क्वेश्चन सॉल्व कर रखा, कोई दिक्कत नहीं। सर पहले लीज रेंट देख लें, 2,20,000 इंटू 5% प्लस 85,000, तो बेटे ये तो आ गया 96,000। 2,60,000 इंटू 5% प्लस 85,000, ये लीज रेंट आया 98,000। और यहाँ का भी देख लेते हैं, 2,60,000 इंटू 5, ये भी उतना ही आएगा ना यार। जी सर, चलो सोचते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। तैयार हो? जी सर, सोचो। पहली बात आराम से सोचना। पहला लीज ऑप्शन कर लेते हैं, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेसी। तो लीज रेंट आएगा 96, नेट ऑफ टैक्स कर लेंगे 98, नेट ऑफ टैक्स करेंगे ना, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टू आएगा बाई ऑप्शन। अच्छा एक बात और, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का खर्चा आएगा, ओके, पर अगर हम लीज पे लेते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, सुनना ध्यान से। अगर हम कंप्यूटर खरीदते तो ऑपरेट हम ही को करना पड़ेगा, लेकिन हम लीज पर लेते हैं तो भी तो ऑपरेट हम ही को करना पड़ेगा। क्या दोनों जगह आएगा? यस, तो इसका मतलब दोनों जगह नहीं आएगा, दिस इज इरेलीवेंट कॉस्ट हो गई है। सर इसके बाद और एक समस्या है, इंश्योरेंस का खर्चा। अगर मैं लीज पे लेता हूं तो क्या मुझे इंश्योरेंस भी पैट करना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना होता। आप खरीदते हो, आपकी प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी टैक्स दीजिए, इंश्योरेंस दीजिए। ये तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं, तो इंश्योरेंस वही देगा। बिल्कुल सही, तो इंश्योरेंस सिर्फ बाई ऑप्शन में आएगा। तो अगर मैं खरीदता हूं तो कॉस्ट, मेरे जेब से कितना पैसा जाएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो बैंक से उधार ले रहा हूं। ठीक है, इंश्योरेंस जाएगा और इंटरेस्ट जाएगा, उसके बाद लास्ट में हमको लमसम में पेमेंट करना पड़ेगा, और इस तरह से काम हो जाएगा। टैक्स सेविंग्स वगैरह देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो भाई, तो बनाते क्वेश्चन को। सबसे पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसिस। पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। सर डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, बोरो करने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16%, और टैक्स का रेट कितना है, टैक्स का रेट है 50%, तो 8%। सर 12% नहीं ले सकते कि ले सकते हो, इस आल्सो लिखा तो ले सकते हो, प्रैक्टिस मैनुअल ने दोनों ही अल्टरनेटिव करके बताया है, पर हम अपने रूल्स नहीं तोड़ेंगे। अगर साफ साफ नहीं लिखा है तो हम 8% लेंगे। ओके सर, तो लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ता है ऑप्शन नंबर वन, लीज ऑप्शन, और यहां आएगा लीज रेंट। यहां लिख देता हूं नेट ऑफ टैक्स। अब लीज रेंट हर साल का अलग अलग है, तो नेट ऑफ टैक्स भी अलग अलग करना पड़ेगा। यस सर, 96,000, 1 माइनस 0.50, 98,000, 1 माइनस 0.50, 98,000, 1 माइनस 0.50। ये पहले साल का लीज रेंट है, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का।
तो 96,000 × 0.5 यहाँ जाएगा 48,000, यहाँ जाएगा 49,000 और यहाँ भी जाएगा 49,000, 1/1.08। ये आ गया बेटे 0.9259, 0.8573, 0.7938। तो 48,000 × 0.9259 ये आ गया 44,443.8573 × 49,000 आंसर 42,008 49,000 × 0.7938 3896। तो लीजिए में तो इतना ही है जी सर, खत्म। प्लस 42,008 प्लस 4443 तो ये आ गया 125,347। अब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोन ऑप्शन। लोन ऑप्शन में हमको क्या देना है सर, हमको ना इंटरेस्ट देना, क्योंकि हमने तो लोन उठा रखा है, इंस्टॉलमेंट नहीं, फुल पेमेंट लास्ट में बोल रखा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा 3 साल तक और इंटरेस्ट का अमाउंट भी एक जैसा रहेगा। कितने का लोन है वो भी नेट ऑफ टैक्स कर देता हूँ सर, 2,30,000 का, 2,30,000 का इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 2,30,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 16% हर साल, और इस पे 1-0.50, 2,30,000 का 16% इंटू 2,30,000 इंटू 16% इंटू 0.5, तो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स जाएगा 18,400, 1, 2, 3। तो यह आएगा 2.5771। तो 47,418 है तो 9 कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आएगा रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, सर प्रिंसिपल पेमेंट कब होगा, थर्ड ईयर में, जितना लोन उठाया था 2,30,000 0.7938 तो ये जा रहा है 182,574। सर इसके अलावा और क्या होगा बेटे, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, अच्छा ये भी है भाई, ये भी ले लो, कौन सा, इंश्योरेंस, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, और ऑपरेटिंग दोनों में नहीं आएगा इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, दोनों में आएगा मतलब दोनों में नहीं रहेगा, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस नेट ऑफ टैक्स, ठीक है सर, कितना 20,000, 1-0.50, 10,000 हो जाएगा, 1, 2, 3, 2.57711। तो ये आ गया 257711। अभी क्या बचा है लास्ट, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, मशीन का कॉस्ट कितना, 2,30,000, सैलवेज दे रखा 1,10,000, लाइफ कितनी है 3 साल, इंटू टैक्स सेविंग कितना लेना 50%, तो 2,30,000 माइनस 1,10,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 50%, 20,000 टैक्स सेविंग से तो माइनस होगा, 1, 2, 3, 2.5771।
तो ये आ गया 5142। एंड लास्ट किसकी बात हो जाएगी, टर्मिनल वैल्यू कौन सी ईयर में, थर्ड ईयर में, फैक्टर 0.7938। एसएलएम मेथड है, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा नहीं क्योंकि यही सेल कंसिडरेशन है, यही बुक वैल्यू, तो सर सीधा 1,10,000 लिख ले। यस 1,10,000 इंटू 0.7938, तो ये 87318। 47419 प्लस 182574 प्लस 25771 माइनस 51542 माइनस 87318, तो यहाँ आ गया 116904 और यहाँ 125। बताओ क्या अच्छा है, लेसी के पॉइंट व्यू से आपको ना लोन लेने ना चाहिए, तो यहाँ आंसर लिख देना लोन ऑप्शन इज बेटर। पर इतने में क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी उसने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना मिनिमम लीज रेंट निकालने के लिए बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, जरा पढ़ो। नहीं, इवेलुएट बोल रहा है प्रपोजल का, तो एनपीवी निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट अब प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग रेट साफ साफ बोल रहा है कि कितना परसेंट लेना भाई इसके लिए, 12%। तो चलो सबसे पहले ए, कैश आउटफ्लोस, कॉस्ट ऑफ मशीन, यहां खरीदने का कोई झंझट नहीं है, फाइनेंस वाइनेंस का सीधा कैश में परचेस करोगे, कितना रुपए जाएगा, 2,30,000। ठीक है, तो मतलब अब इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, रिपेमेंट भी नहीं आएगा हमारे पास ही सीधा। हाँ, इंश्योरेंस हमको करवाना पड़ेगा, इंश्योरेंस नेट ऑफ टैक्स, कितने साल तक इंश्योरेंस का खर्चा आएगा, 3 साल तक, कितना रुपए, 10,000 रुपए इंश्योरेंस नेट ऑफ टैक्स कर लिया, फैक्टर पर चेंज हो जाएगा और क्या, 1 डिवाइडेड 1.12, 1, 2, 3, तो यह जाएगा 2.4018। दस हजार इंटू 2.4018, तो ये आएगा 24018। ठीक है सर। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेटे वो हम क्यों करेंगे, हम अगर लीज पे देंगे तो वो खुद करेगा जो ऑपरेट करेगा, ठीक है, तो हमारा टेंशन नहीं है ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। ठीक है सर। सर और क्या आएगा, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन उतना ही आएगा, कितना, 20,000 निकल रहे थे कि कितना, हाँ 20,000, फैक्टर चेंज हो जाएगा, 1 डिवाइडेड 1.12, 1, 2, 3, 0.7118, 0.7118 इंटू 20,000, नहीं तो 3 साल का फैक्टर लेना है ना यार, 2.4018, तो 20,000 इंटू 2.4018, तो ये आ गया बेटे 4,8036। सर इसके अलावा क्या आएगा बेटे, हम मशीन बेच भी सकते हैं, टर्मिनल वैल्यू कौन सी ईयर में, थर्ड ईयर में,
हाँ अब निकलेगा, 1/1.12, 1, 2, 3, 0.7118, बेचने पे कितना मिलेगा, 1,10,000। तो ये आ गया 78298। तो 2,30,000 प्लस 24018 माइनस 48036 माइनस 78298, तो पैसा जा रहा है 127684। अब पैसा आएगा कैश इनफ्लोस, और क्या आएगा, रेंटल इनकम, नेट ऑफ टैक्स, ये हमारा निकला हुआ है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, नेट ऑफ टैक्स ये निकला हुआ बेटे 48,000 ले लेते हैं, 49,000 ले लेते हैं, और 49,000 बस डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना पड़ेगा, 12%, 1/1.12, फर्स्ट ईयर का कितना आएगा 0.8928 ले लो, 0.7972, 0.7718, तो 48,000 मिलेगा इनटू 0.8929, तो ये आ गया 42859, यहाँ 49,000 मिलेगा इनटू 0.7972, तो 39063, 49,000 मिलेगा इनटू 0.7118, तो 34878, तो 42859 प्लस 39063 प्लस 34878, तो यहाँ आ रहा 116800। तो एनपीवी निकल जाएगा, हाँ सर ये ए और ये बी, तो एनपीवी आ गया नेगेटिव, तो रिजेक्ट कर देंगे 127684 116800, एनपीवी नेगेटिव आ रहा है 10884, इसमें से ये माइनस करोगे ना बी माइनस से, अगर नेगेटिव है तो रिजेक्ट द प्रपोजल, खत्म क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटे एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 31, ये भी पीएम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 31, लिखा फ्रंट लीजिंग लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑटोमोबाइल्स ऑन वेट लीज टू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, ठीक है, द कंपनी इज कंसीडरिंग अ न्यू मॉडल ऑफ बैटरी रन टेस्ला कार फॉर विच अ गुड नंबर ऑफ इंक्वायरी इज रिसीव्ड, द कॉस्ट ऑफ व्हीकल है 25 लाख, ठीक है, ऑपरेटिंग मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस कॉस्ट 5 लाख इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में 5 लाख इंश्योरेंस वगैरह का, उसके बाद इन्फ्लेशन है भाई 6% का सेकेंड एंड थर्ड ईयर में, मतलब 5 लाख से बढ़ा देंगे, एंड 4% ड्यूरिंग फोर्थ टू सिक्स्थ ईयर, यूजफुल लाइफ है 6 ईयर, नेट सैलवेज वैल्यू ऑफ व्हीकल एट द एंड ऑफ 6 ईयर 10 लाख, डेप्रिसिएशन लेना है 40% अंडर WDV मेथड, ठीक है, मार्जिनल टैक्स रेट है 35%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8%, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिनिमम लीज रेंटल दैट कंपनी शुड कोट, मतलब लीजिंग कंपनी के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है, बाकी सब इग्नोर करना है, तो फटाफट से काम करते थे, ये तो थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का खेल है, बाकी तो इजी क्वेश्चन हुआ। लेट अज्यूम मिनिमम एनुअल लीज रेंट बी एक्स, एक्स ले लेते हैं,
ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जितना भी परसेंटेज देख लेता हूँ भैया, परसेंटेज कितना है, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है ना। हाँ 8% के हिसाब से अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो लीजिंग कंपनी मतलब लेसर, तो सबसे पहले क्या आएगा, कैश आउटफ्लोस, कॉस्ट ऑफ मशीन, कितने में खरीद रहे हो, 25 लाख रुपए में, कब, 5, 1, 25 लैक्स, 25 लैक्स, कॉस्ट ऑफ व्हीकल है 25 लैक्स, डेप्रिसिएशन है और ऑपरेटिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वगैरह सब अलग अलग दिया है। तो एक काम करते हैं ना, सब काम एक साथ करते हैं फिर यहाँ लिख देंगे एक्सपेंसेस। तो ऐसा लिखते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस नेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रेशन, ऐसा ले लेते हैं, टेंशन खत्म हो जाएगा हमारा। तो भाई ऐसा ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5, एक्सपेंसेस कितना, इंश्योरेंस मेंटेनेंस वगैरह, तो वो बोल रहा 5 लाख इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में 5 लाख, और उसके बाद देयर आफ्टर इट विल बी सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन 6% इन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में इन्फ्लेशन है 6%, तो चलो 5 लाख प्लस 6%, 5 लाख 30,000 पर एनम ही होता है, +6%, 561,800 सेकेंड एंड थर्ड ईयर, और उसके बाद इन्फ्लेशन का रेट कितना, 4% ड्यूरिंग द फोर्थ टू सिक्स, सिक्स किधर से आ गया, 6 साल लाइफ है क्या, हाँ भाई 6 साल लाइफ है, बच गए 6 प्लस 4%, 584,272 प्लस 4%, 607,642,43 ले लो, +6%, नहीं +4% आएगा ना यार, 584,272 प्लस 4%, ठीक है +4%, तो आ गया 631,948, ठीक है। सर अभी क्या करना, अभी माइनस क्या करना है, टैक्स सेविंग्स ऑन एक्सपेंसेस, टैक्स का रेट कितना है, टैक्स का रेट है 35%, तो टैक्स का रेट ले लेते 35%, तो 5 लाख इंटू 35%, तो ये आ गया 1,75,000, 0.35 इंटू 5,30,000, तो ये हो गए 185,500, 561,800, तो 1,96,30, 584,272, तो 2,04,95,607,643,212,675 and 631,948, तो ये आ गया 221,182। इसी में एडजस्ट कर देते माइनस टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, कौन उधर ले जाए, 25 लाख की मशीन है, डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड है, WDV, तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करने की जरूरत ही नहीं है,
डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, पर ये देखो WDB मेथड से 40% है डेप्रिसिएशन का रेट, 40%, 25 लाख का 40%, और इसका 35%, 3,50,000। फिर ये माइनस में आएगा ना, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। ठीक है सर, उसको अलग से लिख देंगे। ओके, यही नेट कर लेते हैं क्या? हाँ तो 5 लाख माइनस 1,75,000, 3,25,000, 0.65 इंटू 5,30,000, तो बेटे ये आ गया 3,44,500, 561,800 इज इक्वल टू 365,1,710, 584,27,272, तो ये आ गया 3,797,777, 6,076,43, 3,94,9,67,968 ले लेता हूँ, एंड 6,31,948, तो ये आ गया 4,107,66। तो यहां लिख देते एक्सपेंसेस नेट ऑफ टैक्स 1,2,3,4,5,6। फैक्टर दिया है क्या? हाँ दिया हुआ, 0.926, 0.857, 0.794, 0.735, 0.681, एंड 0.630। ये आ गया 3,25,000, 3,44,500, 3,65,770, 3,79,777, 3,94,968, एंड फाइनल 4,107,66। तो 3,25,000 इंटू 0.926, 3,00,950, 3,44,500 इंटू 0.857, 2,952,36, 3,65,770 इंटू 0.794, 2,90,421, 3,79,777 इंटू 0.735, 2,79,136, 3,94,968 इंटू 0.681, 2,689,73, एंड लास्ट 4,107,66 इंटू 0.630। तो ये आ गए 2,587,82। इसके अलावा अब आएगा यहाँ टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन 1,2,3,4,5,6, 0.926, 0.857, 0.794, 0.735, 0.681, 0.630। कितने की मशीन है? 25 लाख। 25 लाख का डेप्रिसिएशन का रेट कितना देखा था मैंने? 40%। ठीक है, 40%, और 40% का टैक्स सेविंग कितना है? 35%।
3,50,000 माइनस में, तो 0.6 × 3,50,000 210,000, 1,26,000, 75,600, 45,360, और लास्ट का 27,216। तो 3,50,000 इंटू 0.926 ये आ गया 3,24,100, 2,10,000 इंटू 0.857, 179,970, 1,26,000 इंटू 0.794, 100,044, 75,600 इंटू 0.735, 55,566, 45,360 इंटू 0.681, 30,890, एंड लास्ट 27,216 इंटू 0.630, 17,146। थैंक गॉड, ये अलग अलग निकालने में बड़ी दिक्कत होती, पर बेटे करना तो पड़ेगा। हाँ, यहां तक हो गया। अब एक बात और बची है, टर्मिनल वैल्यू है क्या। एक्सपेंसेस हो गया, सब कुछ हो गया, इन्फ्लेशन भी जोड़ दिया, यूजफुल लाइफ है 6 ईयर, नेट सेल्वेज वैल्यू दिया 10 लाख, मतलब टर्मिनल वैल्यू आएगी। सेल कंसिडरेशन, दस लाख माइनस कैपिटल गेन टैक्स, कितने का मशीन बेच रहा है 10 लाख। बुक वैल्यू देख लेते हैं, कितना आएगा, 25 लाख, डेप्रिसिएशन 0.6 इंटू 25 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है बेटे 1,16,640, और टैक्स कितना है, टैक्स का रेट है 35%, यस 35%, तो ये गेन हो गया 309,176 का। तो गेन काटने के बाद माइनस 309,176, आपके पास बचा है 690,824, दिस इज टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू आएगी 6th ईयर में 0.6, और ये आएगा 690,824, और 690,824 इंटू 0.630, तो ये आ गया 4,352,19 बस। और इसके बाद फिर हम लीज वाला काम कर लेंगे, जिसको हम एक्स लेके काम कर लेंगे, ठीक है सर। पहले ये निकाल ले कितना आ रहा आउटफ्लो पूरा की पूरा, 25 लाख प्लस 300,950 प्लस 295,236 प्लस 290,421 प्लस 279,136 प्लस 268,973 प्लस 258,782 माइनस 3,241,00 माइनस 179,970 माइनस 1,000,44 माइनस 5,5,566 माइनस 30,890 माइनस 17,146 माइनus 435,219। तो ये आ गया बेटे 30,50,563। ये कैश आउटफ्लो, अगर मैं यहीं की बात करूं तो कैश इनफ्लो में मुझे क्या मिलेगा, लीज रेंट, कैश इनफ्लो लीज रेंट, एंड बोला है कि बिगनिंग ऑफ ईच ईयर बोला, बस इतना भर ध्यान देखना,
कैलकुलेट द मिनिमम एनुअल लीज रेंट दैट कंपनी शुड कोट. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिनिमम एनुअल लीज रेंट. कहीं भी नहीं लिखा है कि लीज कब पेबल है, तो ईयर एंड मान के काम कर लेते हैं. यस, तो नेट ऑफ टैक्स कर लेते हैं. एक्स 1 माइनस 0 पॉइंट, टैक्स का रेट ही मैं भूल जाता हूँ, टैक्स का रेट 35%, तो यहाँ जाएगा 0.65x 126. फैक्टर्स कितना, 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 1 2 3 4 5 6 GT, 3 डिजिट में, 4.623, 4.623 इंटू 0.65, तो ये आ गया 3.00495x. बस 3.00495x. तो ब्रेक इवन लीज रेंटल निकालना है आपको, मतलब कॉस्ट ऑफ, नहीं यहां तो पीवीसीओ इज इक्वल टू पीवीसीआई, 3050563 डिवाइडेड बाय 3.00495x. तो x इज इक्वल टू 3050563 डिवाइडेड बाय 3.00495 इज इक्वल टू 3050563 डिवाइडेड बाय 3.00495. तो आंसर आ गया बेटे रेंट 101.5179. तो ये क्वेश्चन था जिसमें इन्फ्लेशन जैसी बात थी, बाकी कुछ भी नहीं था. हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा था, बस खत्म हो गया. अगले क्लास के जो दो क्वेश्चन है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास के. और एक बात बता दूं मैं आपको, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, और होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 32. एक बार क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्या मांग रहा है. 26 पेज नंबर 32 वही है, एक में लीज बोला है, या तो फिर आप बाय कर रहे हो लोन के थ्रू. पॉइंट नंबर ए अच्छे से पढ़ो, डिटरमाइन क्या बोल रहा है. डिटरमाइन द नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग टू अल्फा लिमिटेड. देखो ऐसी बात है, अगर मैं कहता हूं मैं लीजिंग से काम करता हूं, तो मेरा 3 लाख आ रहा है पीवीसीओ. अगर मैं बोरो करके बाय कर लेता हूं लोन ऑप्शन में, तो 2,80,000 आ रहा है पीवीसीओ. सुनना ध्यान से, लीजिंग में कैश आउटफ्लो आ रहा 3 लाख, और अगर मैं खरीदता हूं लोन ऑप्शन में, तो 2,80,000. किस में फायदा है सर? लीजिंग में फायदा कितने का नेट एडवांटेज है? नेट एडवांटेज 20,000 का. तो अगर इस क्वेश्चन में बोला है कि नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग बोला है, तो आप लीजिंग निकालोगे और बाई ऑप्शन करोगे, और ये देख लेना कि लीजिंग से कितना एडवांटेज है. ऐसा भी हो सकता है कि ये 3,20,000 आ जाए, तो नेट एडवांटेज माइनस में आ जाएगा, मतलब लीजिंग से डिसएडवांटेज आ जाएगा. तो नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग का मतलब होता है कि आप लीजिंग और बाइंग बोरो दोनों ऑप्शन से कर लो, और कितना एक्स्ट्रा लग रहा है या कितना फायदा हो रहा है लीजिंग में, वो निकालिए. दिस इज नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग. और ब्रेक इवन लीज रेंटल निकालना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लेसर. लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलेगा जब भी ब्रेक इवन लीज रेंटल बोलेगा. तो कुछ नहीं करना, ये कैसा आउटफ्लो कर देना और कैसे इनफ्लो कर देना. आंसर दिया एक बार मैच कर लेना, पीछे शायद मैं सॉल्यूशन भी दे दूं आपको. होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 26. अगले क्लास के लिए दो क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, अगले क्लास में खत्म हो जाएंगे. वो दो क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है. ठीक है, बाय बाय. हाँ जी बच्चों, अब शायद 2-3 क्वेश्चन और रह गए, बाकी खत्म हो गए. तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन रह गए. सर पहले कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? अब तो सब की सब अच्छे. तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 25. याद रखना ये तीनों, तीन ही क्वेश्चन बचे, तीनों ही क्वेश्चन अच्छे. क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 31 लिखा, एक्स लिमिटेड हैड ओनली वन वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन इन दिस टाइप ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट. ठीक,
एंड विथ नो बुक वैल्यू अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहले से एक्स लिमिटेड के पास कोई मशीन है और उसकी कोई बुक वैल्यू नहीं है टैक्स के हिसाब से, क्योंकि एज इट वाज सब्जेक्ट टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 100% इन वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन। क्योंकि लिखा हुआ है कि इस ब्लॉक में जितनी भी एसेट्स होती है पहले ही साल में 100% डेप्रिशिएट कर दी जाती है टैक्स के हिसाब से। ठीक है, लिखा ड्यू टू फंड क्रंच, पैसों का समस्या है, तो एक्स लिमिटेड ने डिसाइड किया, एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू सेल द मशीन। मशीन बेचोगे विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट टू एनीवन फॉर ₹5 लाख इजीली। तो भाई ऐसा है कि हमारे पास पहले से मशीन है और उस मशीन की बुक वैल्यू जीरो है, पैसों की समस्या, तो हम उस मशीन को बेच सकते हैं कितने में, 5 लाख रुपए में। नो डाउट कि कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई बिजनेस कैसे करोगे, सबसे बड़ी बात है, जो चीज है आपके पास मशीन है, मशीन से ही काम कर रहे हो आप, मशीन को ही बेच रहे हो, तो बिजनेस कैसे करोगे। तो लिखा अंडरस्टैंडिंग दिस फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स वाई लिमिटेड कम फॉरवर्ड टू बाय द मशीन फॉर ₹5 लाख। हम कौन है यार, एक्स लिमिटेड, हम एक्स लिमिटेड, हमारे पास वाई लिमिटेड आया, बोलता यार ये मशीन मैं खरीद लूंगा 5 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक है भाई ये खरीदो, 5 लाख रुपए दे दीजिए, एंड लीज इट टू एक्स लिमिटेड फॉर लीज रेंटल ऑफ ₹90,000 पर एंड सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन है। भाई ये तो पढ़ा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में। ये लो भाई, हम कौन है, एक्स लिमिटेड। तो हमारी जो बात चल रही है वो किससे चल रही है, सबसे पहले बात चल रही है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को हम क्या करेंगे, हम ये मशीन बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, 5 लाख सेल करेंगे मशीन, और वापस उसी से लीज पर ले लेंगे, और कितने में लीज पर लेंगे बोल रहा है 90,000 पर एनम फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड के पास अभी 5 लाख आ गया, बेचने से 5 लाख आ गया, तो इस 5 लाख का क्या करेगा, हालांकि 5 लाख नहीं आएगा, कैपिटल गेन टैक्स कटने के बाद आएगा। तो एक्स लिमिटेड ने डिसाइड किया, डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द नेट सेल प्रोसीड इन ए रिस्क फ्री डिपॉजिट रेट, रिस्क फ्री डिपॉजिट में जमा कर देंगे जो भी सेल प्रोसीड आएगा, फेचिंग ईयरली इंटरेस्ट, और हर साल इंटरेस्ट मिलेगा 8.75% टू जनरेट सम कैश फ्लोस। वो सोच रहा कि यार जो पैसा बचेगा ना, जो पैसा आएगा मशीन बेचने से, उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे और उस पर 8.75% कमाएंगे और हर साल हमको कैश फ्लो होगा, हमको जनरेट करना है कैश फ्लो। कंपाउंडेड की बात नहीं करूंगा मैं, सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको मैं निकालूंगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको मैं निकालूंगा, तो सिंपल इंटरेस्ट ही लगेगा, क्योंकि टारगेट क्या, हर साल जनरेट करना कैश फ्लो। ठीक, इट ऑल्सो डिसाइडेड टू री लुक द इंटायर इश्यू अफ्रेश आफ्टर द सेट पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, फिर 5 साल बाद फिर ये सारा काम होगा। ठीक, दूसरा तरीका कि अब जेड लिमिटेड से बात करो, या तो वाई लिमिटेड को बेच दो और उसी से लीज पे ले लो, या तो जेड लिमिटेड से बात कीजिए। जेड लिमिटेड, अब जेड लिमिटेड क्या बोल रहा, जेड लिमिटेड आल्सो अप्रोच्ड एक्स लिमिटेड टू प्रपोजिंग टू सेल ए सिमिलर मशीन फॉर ₹4 लाख। तो जेड लिमिटेड बोल रहा है भाई सुनो, हम आपको बेच देंगे न्यू मशीन 4 लाख की, और आप ओल्ड मशीन कहीं बाहर बेच देना, कितने में, 5 लाख रुपए, आपकी मर्जी। ठीक है, आपके पास पैसा तो आ जाएगा। हाँ, जेड लिमिटेड आल्सो अप्रोच्ड एक्स लिमिटेड प्रपोजिंग टू सेल ए सिमिलर मशीन फॉर 4 लाख टू द लेटर एंड अंडर लुक टू बाय इट बैक एट द एंड ऑफ 5 ईयर फॉर ₹1 लाख। तो बोले अभी हम आपको देंगे 4 लाख की और 5 साल बाद आप हमें ही वापस भेज देना कितने की, 1 लाख की, चलो वापस भी खरीदने को तैयार है, दिस सेल्वेज हो गया। प्रोवाइडेड दैट मेंटेनेंस वर इंस्ट्रक्टेड टू जेड लिमिटेड फॉर ईयरली चार्जेस। अच्छा, मेंटेनेंस का खर्चा भाई आप पर ही छोड़ते हैं,
तो एक्स लिमिटेड आपको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, 15,000 रुपए खर्चा आएगा। एक्स लिमिटेड वुड यूटिलाइज द नेट प्रोसीड ऑफ द ओल्ड मशीन, इंपॉर्टेंट है, एक्स लिमिटेड वुड यूटिलाइज द नेट प्रोसीड, जो मशीन बेचने से पैसा आएगा एक्स लिमिटेड के पास ओल्ड मशीन को बेचने से, तो इस फंड को किसमें लगा देना, इसमें लगा देना, न्यू मशीन खरीदने में लगा देना, ठीक है, मतलब ओल्ड मशीन बेचना ही बेचना। तो क्या बोला था, एक्स लिमिटेड वुड यूटिलाइज द नेट सेल प्रोसीड ऑफ द ओल्ड मशीन टू फंड दिस मशीन आल्सो, ठीक है, शुड इट एक्सेप्ट दिस ऑफर। मार्जिनल टैक्स रेट दे रखा 30%, 4% वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 12%, विच अल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंडेड। सर करना क्या है, कुछ करना नहीं है भाई, सीधी बात है, दो जगह है, एक्स जेड के साथ डील करे कि वाई के साथ डील करे। सर निकालना क्या है, कैश इनफ्लो की कैश आउटफ्लो, वो तो भगवान ही जानता क्या निकलेगा, कैश फ्लो निकालते हैं, अगर इसका आउटफ्लो निकल रहा है इसका भी आउटफ्लो निकलेगा, आउटफ्लो आउटफ्लो, तो जिसका आउटफ्लो कम आएगा, अगर इनफ्लो निकल रहा है तो इसका भी इनफ्लो, इसका जिसका भी इनफ्लो कम आएगा, पैसों की जरूरत है तो पक्का इनफ्लो ही निकलेगा। चलो निकालते हैं, सबसे पहले किसके साथ बात कर ले, वाई लिमिटेड के, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। सर उसी टेबल में बनाएंगे कि उसी में बना लेते, हमको थोड़ा सा इजी पड़ जाता, मतलब आइडिया हो जाता कि क्या करना। चलो तो सर फिर क्या टेंशन लेना, ये लो भाई, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, ई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कितना परसेंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 15% के हिसाब से, क्या नहीं, 12% अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले किससे बात करें, वाई लिमिटेड, ऑफर फ्रॉम वाई लिमिटेड भी लिख सकते हो, वैसे ऑफर फ्रॉम वाई लिमिटेड आराम आराम से काम करना। चलो भाई इधर वर्किंग बनाते जाऊंगा, टेंशन खत्म। वाई लिमिटेड को मशीन बेचोगे, सुनना ध्यान से, वाई मशीन, वाई लिमिटेड मशीन बेचोगे, उससे जो पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट कर दोगे, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया, तो सिर्फ हमको रेंट देना, तो सबसे पहले लीज रेंट लिख देते ना यार, सबसे पहले उसी से स्टार्ट करो, लीज रेंट नेट ऑफ टैक्स कितना है भाई, लीज रेंट नब्बे हजार ईयर एंड मान के चलूंगा, आफ्टर टैक्स 34%, 1 माइनस 0.34, तो ये जा रहा है 59,400। कितने साल तक देना पड़ेगा, 5 साल तक, फैक्टर फैक्टर दिया हुआ है उसको जोड़ देना, 0.8696, नहीं, 0.893 प्लस 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.636 प्लस 0.567, तो ये आ गया 3.605। तो ये हो गया 214
137। अब भाई जो पैसा आया था मशीन बेचने से उसको क्या किया था, हमने इन्वेस्ट किया था तो उस पर इंटरेस्ट भी तो कमाओगे। तो इधर आ जाते वर्किंग नोट नंबर वन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सेल ऑफ ओल्ड मशीन कितने की बेचा था, 5 लाख। माइनस क्या करोगे, कैपिटल गेन टैक्स। कितने की बेचा, 5 लाख। बुक वैल्यू तो जीरो हो गई थी और इस पे टैक्स कितना है, 34% देना पड़ेगा। 1,70,000। तो नेट कितना, 3,30,000 इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहां लिख देते एक्स लिमिटेड इन्वेस्ट ₹3,30,000 एट द रेट 8.75% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट लिखने की वजह क्या, हर साल कैश जनरेट होगा। देखो अगर मैं इंटरेस्ट का अमाउंट उसी में बैंक में रखा रहने देता हूं तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन यहां नहीं, यहां हर साल कैश जनरेट होगा। ठीक है, तो हर साल का इंटरेस्ट कितना आया, 3,30,000 इंटू 8.75%। तो ये आया बेटे 2,88,75। और इंटरेस्ट इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा कितना परसेंट, 34%। नाइन एट वन सेवन पॉइंट फाइव जीरो माइनस 2,88,75, तो 1,90,57.50। दिस इज इंटरेस्ट रिसीव्ड नेट ऑफ टैक्स। हर साल इतना इंटरेस्ट मिलेगा हमको, मिलेगा, ये आउटफ्लो है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड नेट ऑफ टैक्स कब मिलेगा भाई सर, 125। बिल्कुल सही, 3.605। कितना मिलेगा, 1,90,57.50 और इनटू क्या करोगे, 3.605। तो इतना मिलेगा मुझे, 6,870। नहीं मिलेगा ना, एक काम करो भाई, ये पैसा जा रहा है तो इसको आउटफ्लो में दिखाओ ना, सीधा सीधा हमको ये नहीं, और हमको कैश आउटफ्लो या कैश इनफ्लो नहीं निकाल रहा है। तो जो पैसा जा रहा है उसको मैंने ब्रैकेट में दिखा दिया, जो पैसा आ रहा है उसको मैं इसे प्लस करके दिखा दूंगा। 6,870.22 ले लेते हैं, इंटरेस्ट मिला। इसके अलावा और क्या मिलेगा सर, प्रिंसिपल अमाउंट भी तो मिल जाएगा बाद में। यस, प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव्ड कौन से ईयर में मिलेगा, फिफ्थ ईयर में। कितना वापस मिल जाएगा, जितना जमा किया था 3,30,000, फैक्टर कितना है, फैक्टर है 0.567। तो 3,30,000 इंटू 0.567, तो ये भी मिला 187,110। और कुछ बचा हुआ है क्या इसके अलावा, बस और तो कुछ है ही नहीं, खत्म। देखते कितना कैश फ्लो, प्लस 6,870.2 माइनस 214,137, तो ये आगे बेटे 4,16,75। ठीक है,
दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अगर मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ किससे वाई से। दूसरा अगर ऑफ ऑफर एक्सपेक्ट एक्सेप्ट करते हो जेड से, ऑफर फ्रॉम जेड लिमिटेड, यहां तो आप मशीन ही खरीद रहे हो, कॉस्ट ऑफ मशीन कौन सी वाली मशीन, न्यू मशीन कब खरीद रहे हो, आज वन, कितना पैसा जा रहा है 4 लाख, पर आपने बेचा ओल्ड मशीन को, सेल ऑफ ओल्ड मशीन कब बेच रहे हो आज, कितना पैसा आया 3 लाख 30,000, ठीक है। अब जब मशीन खरीदा है तो टैक्स सेविंग्स तो करना पड़ेगा क्योंकि बुक वैल्यू हुआ, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। न्यू मशीन कितने की थी 4 लाख, लिखा है कहीं ना कहीं कि पहले ही साल में हमारे यहाँ 100% डेप्रिसिएशन अलाउ करता है इनकम टैक्स वाला, तो 4 लाख का 100% और टैक्स का रेट कितना है 34%, तो 4 लाख इंटू 34% 1,36,000, दिस टैक्स सेविंग्स है। कौन सी ईयर में, फर्स्ट ईयर में ही शायद, फैक्टर क्या फर्स्ट ईयर का 0.893, ये भी पैसा आया 121,448। सर इसके अलावा क्या होगा, अच्छा मेंटेनेंस का भी खर्चा है मतलब जाएगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा ऐसा लिखा था, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितना 15,000, 1 - 0.34, ₹9,900 जाएगा कितने साल तक 1 to 5 फैक्टर्स 3.605, तो जाएगा 35689। सर और क्या बचा, और टर्मिनल वैल्यू, निकाल लेते हैं भाई, टर्मिनल वैल्यू 5 साल बाद ये मशीन कितने की बिक जाएगी। सर ये स्क्रैप वैल्यू माइनस क्यों नहीं किया आपने बेटे, लिखा है 100% फर्स्ट ईयर में ही अलाउ हो जाएगा, कहाँ लिखा है बता दूं मैं, हाँ सर बताइए कहाँ लिखा है, क्वेश्चन में जब स्टार्ट किया ना उसी में लिखा सब्जेक्ट टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 100% इन वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन, ये बात लिखी हुई है, इसलिए सेल डेप्रिसिएशन निकालते समय मैंने स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं किया, हालांकि सेल कंसिडरेशन है और 5 साल बाद कितने का वो हमसे वापस ले लेगा, क्या लिखा हुआ है, हमसे 1 लाख रुपए में वापस ले लेगा, एक लाख, तो अब कैपिटल गेन टैक्स माइनस करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स बेचा कितने में 1 लाख में, बुक वैल्यू 0 है और इसका 34%, तो ये आ जाएगा 34,000, तो 1 लाख आएगा पर 34 जाएगा, तो टर्मिनल वैल्यू निकाल लेते हैं 1,00,-34,000, तो 66,000 आएगा टर्मिनल वैल्यू, कौन सी ईयर में, फिफ्थ ईयर में कितना आएगा 66,000,
फिफ्थ ईयर का फैक्टर है 0.56। तो बेटे ये आएगा 37422, बस। तो भाई 3 30 आ रहा है, 3,30,000 प्लस 1,21,448 ये भी आ रहा है, प्लस 3,7,422 ये भी आ रहा है, माइनस 3,5,689 ये जा रहा है, माइनस 4 लाख ये भी जा रहा है। तो हमारे पास कितना बच रहा है, 5,3,181। ये भी सुनो पीवीसीआई है, दोनों के दोनों पीवीसीआई है। तो बताओ कौन सा अच्छा है जिसमें पीवीसीआई ज्यादा हो और ज्यादा इसमें है। तो लिख लेते ऑफर फ्रॉम जेड लिमिटेड, वैसे इसको आप मैं एनपीवी भी बोल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑफर फ्रॉम जेड लिमिटेड शुड बी एक्सेप्टेड ड्यू टू हायर पीवीसीआई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, एक्चुअली इसको सेल एंड लीज बैक बोल सकते हैं, पर ठीक है। अगर सेल एंड लीज बैक की ट्रांजेक्शन नहीं भी पता क्या होता है क्या नहीं होता कॉन्सेप्ट, पर हमको ये देखते समझ में आ गया कि हमें करना क्या करके। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। और एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस मैनुअल में डला हुआ है, नया क्वेश्चन है वो। तो सर कौन सा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 32। हाँ जी पढ़ते हैं। जेड लिमिटेड रिक्वायर्स अ मशीन फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए मशीनरी चाहिए। देर आर टू अल्टरनेटिव, आइदर टू टेक इट ऑन लीज, अब बाय, या तो लीज पे लो या तो खरीद लो, ठीक है। द कंपनी इज रिलेक्टेंट टू इन्वेस्ट इनिशियल अमाउंट फॉर द प्रोजेक्ट, अभी की अभी इन्वेस्ट करना है, और आप अपनी बैंकर के पास जा रहे हो, और बैंकर आर रेडी टू 100% ऑफ द इनिशियल रिक्वायरमेंट अमाउंट, जितना आपको चाहिए पूरा की पूरा इन्वेस्ट करने को तैयार है। कितना परसेंट इंटरेस्ट पे, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनी ऑफ द अल्टरनेटिव, ठीक है भाई, जब भी लगेगा हम बैंक से ले लेंगे। अंडर लीज ऑप्शन, अप फ्रंट सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹5 लाख, पहली बार आया वो बोल रहा है भाई आप लीज पे तो ले लो, लेकिन आप जो लीज रेंटर दोगे वो ठीक है, आपको 5 लाख रुपए अभी के अभी डिपॉजिट करना पड़ेगा। सर लाओगे कहां से पैसे 5 लाख डिपॉजिट के लिए, बैंक है ना, बैंक से उधार ले लेंगे। अच्छा सर, तो ये हो गया बोरो एंड लीज, बोरो एंड लीज ये मतलब हुआ इसका, हाँ पैसा समझ लो। इज पेबल टू द लेस विच इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन, और बोले 5 लाख रुपए ही कॉस्ट भी है मशीन की, ठीक है। आउट ऑफ विच 40% शैल बी एडजस्टेड इक्वली अगेंस्ट एनुअल लीज रेंट। तो लेसर जो है वो मुझसे ये बोल रहा है कि आप 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दीजिए, अब हर साल जो आप लीज रेंट देंगे उसका हम 40% एडजस्ट करते जाएंगे। जैसे बोले जैसे मान लो हर साल 1 लाख रुपए लीज रेंट है, तो इस सिक्योरिटी डिपॉजिट में से 40,000 को हम एडजस्ट कर देंगे, मतलब जितना लीज रेंट है उसका 40%। पढ़ दूं फिर से, आउट ऑफ विच 40% शैल बी एडजस्टेड इक्वली अगेंस्ट द एनुअल लीज रेंट, ठीक है। तो सर एडजस्ट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कि नहीं, जो बच जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट वो वापस मिल जाएगा। तो ये लिखा एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द मशीन एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू, एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू विल बी एट बुक वैल्यू, बोले जो स्क्रैप वैल्यू रहेगी ना वही बुक वैल्यू रहेगी। After providing depreciation, depreciation का rate है 20% और ये भी tension है WDV basis। अगर आप खरीदते हो तो लोन का जो repayment करना ना वो is in equal annual installment of principal amount, underline करो, सिर्फ principal amount की बात कर रहा।
विच इज इक्वल टू एनुअल लीज रेंट चार्ज, और वो एनुअल लीज रेंट चार्ज के हिसाब से होगा। हाउएवर इन केस ऑफ बैंक फाइनेंस फॉर लीज ऑप्शन, रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू लीज रेंट इज एडजस्टेड एवर, फिर से हाउएवर इन केस ऑफ बैंक फाइनेंस, अगर आप बैंक फाइनेंस करते हो किसमें, लीज मतलब लीज में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना वो बैंक से फाइनेंस करते हो, तो रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट करोगे इक्वल टू लीज रेंट इज एडजस्टेड एवरी ईयर। सर बोल क्या रहा पता नहीं। एंड द बैलेंस एट द एंड ऑफ 5 ईयर, बाद में पढ़ेंगे समझेंगे तब। इनकम टैक्स रेट है 40%, इंटरेस्ट जो पेबल होगा वो एवरी ईयर होगा, और डिस्काउंट रेट 15% है और डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है। ऑप्शन दो है, एक लीज और एक बाय। क्वेश्चन नंबर 27 ही कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो पहला आ जाएगा ईयर, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट के हिसाब से 15, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन हो गया लीज। अब यहां सोच समझ के काम करना। सबसे पहले लीज ऑप्शन में क्या जमा करना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना 5 लाख, सोच के बताना क्या आपके जेब से जाएगा। नहीं सर हम तो बोरो करेंगे। अच्छा तो सर इसका नाम थोड़ा सा चेंज करें, बोरो एंड लीज ऐसा नहीं लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते हो, और दूसरे में बोरो एंड बाई, गुड ये भी अच्छा, कोई बात नहीं। लीज रेंट कितना देना पड़ रहा है ये भी नहीं मालूम बेटे, बड़ी समस्या है इस क्वेश्चन में। अब सुनना ध्यान से, अब मैं फिर से समझाने की कोशिश करूं, ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन अगर करना चाहो तो। एक था लीज और एक था आपका लोन ऑप्शन एंड बाय। यहां सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है 5 लाख, मशीन का यहाँ कॉस्ट कितना है 5 लाख, ये बोला है कि जितना सिक्योरिटी डिपॉजिट है वही मशीन का कॉस्ट होगा, बिल्कुल अच्छा। कितने साल में रिपे करना, 5 साल, लाइफ ही 5 साल है, 5 ईयर्स। अब उसने ये बोला है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5 किस्तों में वापस करना, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब ये हो गया कि 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, नहीं 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो हर इंस्टॉलमेंट मेरी 1-1 लाख रुपए की बनेगी। तो जितना ये रहेगा बोल रहा है इंस्टॉलमेंट, उतना ही लीज रेंट भी रहेगा 1-1 लाख रुपए, ठीक है, यही बात लिखी हुई है उसने। और फिर ये बोला कि देखो आप जब सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हो तो हर साल आपका 1 लाख रुपए रेंट बनता है, पर 1 लाख मत देना, इसमें से हम एडजस्ट कर लेंगे कितना 40%। बोले सिर्फ 60,000 ही देना। मैंने कहा अच्छा, फिर अगले साल 40,000 फिर एडजस्ट कर लेंगे, फिर 40,000, मतलब आपको 60,000 ही देना है। और सर ये एडजस्ट किस में से कर रहा है, इसमें से कर रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट में से। और फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट धीरे धीरे कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, 40,000 से कम होते जाएगा, और फिर बाद में ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे वापस मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल फोकस करना अच्छे से कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है, पहली बात कि 5 लाख रुपए की मशीनरी है, और अगर मैं 5 लाख लोन लेता हूं तो क्वेश्चन में लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आप 5 किस्तों में वापस करोगे, इंटरेस्ट तो अलग से पैट करोगे, वो अलग मैटर है। तो उस हिसाब से 1-1 लाख रुपए मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है। फिर क्वेश्चन में लिखा कि जितना आपका इंस्टॉलमेंट है उतना ही लीजिंग का अमाउंट होगा, तो हमने ये भी लिख दिया, ठीक
ठीक है। फिर उसने कहा कि 1 लाख वैसे लीज रेंट तो बनता है, लेकिन आप 1 लाख मत दीजिएगा, आप सिर्फ 60 हजार दीजिए, 40 हजार हम एडजस्ट कर लिए। कहाँ से एडजस्ट कर लिए? मेरा बोले आपका जो पहले से पैसा पड़ा है ना, उसमें से हम 40 हजार काटते जाएंगे, आप 60 हजार देते जाना, ये भी अच्छा है। हाँ, ये 5 लाख मैंने कहाँ से लिया था? सिक्योरिटी मैंने बैंक से उठाया होगा, तो उस पर भी इंटरेस्ट विंटरेस्ट का चक्कर आएगा। तो बहुत कैलकुलेशन है इसमें, मतलब घुमाया इस तरह से क्वेश्चन है कि बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया सर। तो सर अभी क्या करना? अभी तो एक बात समझ में आई, हमको लीज रेंट देना है। लीज रेंट तो सबसे पहले कुछ वर्किंग बना लूं ताकि टेंशन खत्म हो जाए। हाँ सर, वो ज्यादा है क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1, लीजिंग के लिए हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिख दें? लीज रेंट। पांच लाख रुपए की एसेट है, और 5 तो लीज रेंट आ गया, 1 लाख। दूसरा लीज रेंट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, 1 लाख माइनस 40 हजार, तो 60 हजार। ठीक है जी, तो यहां आ जाएगा 60 हजार रुपये हम लीज रेंट देंगे कितने साल तक? 1, 2, 5। फैक्टर दिया है, बस उसी को जोड़ लेना, 0.8696 प्लस 0.7562 प्लस 0.6576 प्लस 0.5718 प्लस 0.4972, तो ये आ गया 3.3524 इंटू 60 हजार, तो ये आ गया 2011 44। सर टैक्स सेविंग्स ने क्यों नहीं किया बेटे? टैक्स सेविंग्स क्यों नहीं किया जरा सोच के बताना। टैक्स सेविंग्स 60 हजार पे होगा कि 1 लाख पे होगा? भाई मैंने एडवांस में दिया, कोई फर्क नहीं, मेरा खर्चा तो 1 लाख हुआ है ना, एडवांस में दिया वो कटते जा रहा है, भले ही मैं 60 हजार पेमेंट, पर मेरा एक्रू तो 1 लाख रुपए हुआ, तो टैक्स सेविंग तो 1 लाख पे होगा ना। हाँ सर, इसीलिए तो मैंने नहीं लिया था। टैक्स सेविंग्स ऑन लीज रेंट 1 लाख का टैक्स का रेट कितना है? टैक्स का रेट नहीं दिया है क्या? हाँ दिया, 30%। तो 30,000 का टैक्स सेविंग्स है कितने साल? 1, 2, 5, 3.3524, 3.3524 माइनस इंटू 30 है, 3.3524 इंटू 30,000, तो ये आ गया टैक्स सेविंग 100572। सर ये बात तो ठीक है, दूसरी बात है कि आपने जो 5 लाख रुपए लिया था, 5 लाख रुपए बैंक से, अब उसको आप चुका कैसे रहे हो? बेटे मुझे 1 लाख रुपए देना था लीज रेंट, तो मैं क्या कर रहा हूं, कितना 60 हजार रुपए उधर लेसर को दे रहा हूं, और बचा हुआ 40 हजार रुपए बैंक वाले को पैट कर रहा होगा। बस यही एक तरीका है, जरा पढ़ते अच्छे से। हाविवर से पढ़ो, मतलब पैराग्राफ नंबर 3। हाविवर इन केस ऑफ बैंक फाइनेंस पर लीज ऑप्शन, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू लीज रेंट इज एडजस्टेड एवरी ईयर एंड द बैलेंस एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। चलो तो काम करें,
वर्किंग नोट नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। अभी क्या करना है देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ईयर 1, 2, 3, 4, 5, लोन कितने का था? जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के लोन फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहाँ कितने का लोन था? 5 लाख। फिर कितना पेमेंट हो गया होगा? तो सुनो बेटे, मैंने कहा ना 1 लाख पेमेंट करना था, 1 लाख में से 40,000 तो उधर एडजस्ट हो चुका है ना, नहीं 60,000 एडजस्ट हो गया, तो इधर 40,000 का पेमेंट हो चुका होगा। तो 5 लाख माइनस 40,000, तो बेटे यहाँ 4,60,000 बाकी रहा। फिर मैंने 40,000 रिपेमेंट कर दिया, फिर 4,20,000 बाकी रहा, फिर मैंने 40,000 रिपेमेंट कर दिया, फिर 3,80,000 बाकी रहा, फिर मैंने 40,000 रिपेमेंट कर दिया, तो फिर 3,40,000 बाकी रहा। ठीक है सर, अब क्या निकालना? इस पे इंटरेस्ट निकाल लेते। इंटरेस्ट का रेट कितना है? इंटरेस्ट का रेट है 15%। सर ये 40,000 फिर से समझाओगे कि बेटे देखो, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, मुझे 1 लाख का पेमेंट करना है, 1 लाख का मेरा टारगेट ही 1 लाख, क्योंकि लीज रेंट 1 लाख, तो मैं जो 1 लाख हिसाब किताब बनाया था उसमें से 60,000 में लेसर को दे रहा हूं, तो बचा कितना? 40,000 का लोन चुका रहा हूं, बस खत्म बात। अच्छा, तो 5 लाख का 15%, पहले साल का इंटरेस्ट आएगा 75,000, दूसरे साल का आएगा 69,000, फिर आ जाएगा 63,000, फिर आ गया 57,000 और फिर आ गया 51,000। इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स कर लो। हाँ सर, सीधा टैक्स का रेट कितना है? 0.3, मतलब 0.7, 52,500, 48,300, 44,100, 39,900 और 35,700। तो अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं, अब यहां लिख देते हैं इंटरेस्ट, पैसा जा रहा है, नेट ऑफ टैक्स 1, 2, 3, 4, 5, 52,500, 48,300, 44,100, 39,900 and 35,700। तो फैक्टर ले लेते हैं पॉइंट पहले साल का 8,696, दूसरे साल का फैक्टर ले लेते हैं 0.7562, 6,576, 0.5718 एंड द लास्ट 0.4972। ठीक है, तो एक बार देख ले, 52,500 इंटू 0.8696, तो ये आ गया 45,654। इसके अलावा 48,300 इंटू 0.7562, तो ये है 36,524। 44,100 इंटू 0.6576, तो सर ये है 29,000, 39,900 इंटू 0.5718, तो ये है सर 22,815, ले लूँ 0.4972 इंटू 35,700, तो ये 1,77,50। ठीक है,
अब इसके अलावा भी सुनो ध्यान से, एक तो लीज का पेमेंट हो गया, टैक्स सेविंग्स हो चुका है, इंटरेस्ट भी दिया सर। इंटरेस्ट के अलावा बैंक वाले को आपने 40-40 हज़ार भी तो दिया। देखो आपने दो लोगों का पेमेंट किया, 60-60 हज़ार किसको दिया, 60-60 हज़ार लेसर को, और 40-40 हज़ार बैंक वाले को, वो भी तो लेना पड़ेगा। हाँ भाई, रिपेमेंट ऑफ लोन, एक से 5 साल तक हमने 40-40 हज़ार रुपए दिया, फैक्टर 3.3524, तो 40 हज़ार इंटू 3.3524 तो ये भी गया 134096। सर एक बात और, क्या बेटे? सर बैंक वाले को लास्ट में भी तो दोगे? देखो 40-40-40-40-40 5 बार दिया, हाँ, और फिर लास्ट में 3 लाख भी तो देना पड़ेगा बेटे। याद करो, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी तो वापस मिलेगा मुझे, लास्ट की मैं बात कर रहा हूं। एंड ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिफंड मिलेगा। हाँ सर, कितना था? 5 लाख जमा किया था, हर बार एडजस्ट कितना करवाया? 40-40 हज़ार कितने साल तक? 5 साल तक। तो नो डाउट कि आपको रिफंड कितना मिलेगा? 3 लाख। पर आपको बैंक वाले को देना तो पड़ेगा एंड में, रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन था कितने का? 5 लाख। हर बार आपने कितने कितने प्रिंसिपल का पेमेंट किया? 40 हज़ार इंटू 5, तो फाइनली 3 लाख रुपए आया, 3 लाख रुपए गया, तो इसको ना भी लिखो तो चल जाएगा। बस अब देख लो कि क्या हाल है। तो 201144 में से माइनस करूंगे 100572, प्लस 45654, प्लस 36524, प्लस 29000, प्लस 22815, प्लस 17750, प्लस 134096, तो ये आ गया 386411। ठीक है सर, मस्त क्वेश्चन है। अब एक काम ये करते हैं कि हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 2, उधार लीजिए और खरीद लीजिए, बोरो एंड बाय। अगर हम उधार लेके खरीदते हैं तो अब क्या होगा ये देखना है। तो सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? इंस्टॉलमेंट। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि बोल रखा प्रिंसिपल का पेमेंट करना 5 साल तक, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। सर कितना जाएगा? 1 लाख। कितने साल तक? 5 साल तक। 5 साल का फैक्टर 3.3524, 1 लाख इंटू 3.3524, तो ये आ गया 335240। यहां तक समस्या नहीं है। अभी क्या है? इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। तो क्यों ना एक वर्किंग नोट ही बना दे जिसमें इंटरेस्ट लिख दे, माइनस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट लिख दे, और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन कर दे, बात खत्म हो जाएगी। हाँ सर, तो वर्किंग नोट नंबर 1, पता नहीं जो भी होगा आप बना लेना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। एक ही बार में खत्म कर देता हूं मैं कहानी। ठीक है सर, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले ये बताओ कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? पहले साल में तो पूरा 5 लाख बैलेंस था जी, फिर 4 लाख, 1 लाख का रिपेमेंट हुआ, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, और फिर 1 लाख। एग्री? ठीक है, तो इस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेट कर लेते।
इंटरेस्ट का रेट कितना है? 15%, 5 लाख का 15%, 75,000, 0.15 × 4 lakh, 60,000, 45,000, 15,000 कम हो रहा है, 30,000 एंड 15,000, माइनस क्या कर दूं, टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट, टैक्स का रेट कितना, 30%, तो 0.3 × 75,000, 22,500, 18,000, 13,500, 9,000, 4,500, और यही कर लेते हैं माइनस टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन, बात का सब काम खत्म हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा, 5 लाख। मेथड कौन सा, WDV है तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करने की जरूरत नहीं है, और WDV से कितना रेट है यार, 20%, तो 5 लाख × 20%, 1 लाख डेप्रिसिएशन और 1 लाख का टैक्स सेविंग कितना, 30%, तो 30,000, 0.8 × 30,000, अगले साल का टैक्स सेविंग 24,000, 19,200, फिर 15,360, और फिर 1, सर सुनो ना, इसको अलग अलग कर ले क्या, बाद में फिर नेगेटिव आएगा तो फिर और परेशानी है, तो सुनो सुनो, इसको मैं अलग से कर रहा हूँ, छोड़ो, यहाँ नेट कर लेते बात खत्म। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन अलग से लिख देंगे भाई, कोई समस्या नहीं। तो 75,000 माइनस 22,500, तो ये आ गया 52,500, 0.7 × 60,000, 42,000, 45,000 = 31,500, 30,000 = 21,000, एंड 15,000 = 10,500। इसको अलग ही दिखा रहा हूँ मैं, है ना, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स 1, 2, 3, 4, 5, कितना कितना है फैक्टर, 0.8696, 0.7562, 0.6576, 0.5718, 0.4972, ये आ गया 52,500, 42,000, 31,500, 21,000 एंड 10,500। कैलकुलेशन कर लूं क्या सर, एक साथ करेंगे, बस एक काम और बाकी रह गया, उसके लिए मैं इधर टेबल बना देता हूं बाहर, दिस इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स आ गया। अब एक काम है, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, फैक्टर आपको पता, 0.8696, 0.7562, 0.6576, 0.5718 एंड 0.4972। तो 5 लाख का 20% डेप्रिसिएशन, उसका 30% टैक्स सेविंग, 30,000 टैक्स सेविंग है, तो माइनस 0.8 × 30,000, 24,000, 19,200,
15360 एंड 12288। और इसके अलावा लास्ट में लिखा हुआ टर्मिनल वैल्यू किसके बराबर रहेगा, बोले स्क्रैप वैल्यू होगा बुक वैल्यू के बराबर। इसका मतलब सेल कंसंट्रेशन, टर्मिनल वैल्यू देखना पड़ेगा। मशीन कितने की है, 5 लाख। तो 5 साल बाद का बुक वैल्यू निकाली है तो 5 लाख और 80% ही बचेगा 1 साल बाद, तो 0.8 × 5 लाख, 1, 2, 3, 4, 5। तो बेटे ये आ गए 163840। माइनस क्या करोगे, कैपिटल गेन टैक्स, सेल कंसिडरेशन स्क्रैप वैल्यू होगा ये, और बुक वैल्यू भी यही होगा, तो ये तो 0 आ जाएगा। तो बोलो टर्मिनल वैल्यू कितना आएगा, 163840। तो टर्मिनल वैल्यू ले लेंगे कौन सी ईयर में, फिफ्थ ईयर में, 0.4972, और कितना मिलेगा, 163840। बस कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। इधर से करते हुए चल रहा हूँ, 163840 × 0.4972, एम प्लस में डालते हुए चलूंगा, 81461, ये सब माइनस में होना है ना, 12288 × 0.4972, 6109। ले लेते, 19200 × 0.6576, ये आ गए 1,26,26। उसके बाद 24,000 × 0.7562, तो ये आया 18149। 30,000 × 0.8696, तो 26088। इसी तरह से ये कर लेते, 10,500 × 0.4972, ये प्लस में रहेगा, 5221 ले लेते, 21,000 × 0.5718, तो ये आ गया 12008, 31,500 × 0.6576, 20714, 42,000 × 0.7562, 31760, and 52,500 × 0.8696, 45654, 335240। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा, टर्मिनल वैल्यू भी हो गया, ये सारी चीजें हो गई, और फाइनल आंसर आएगा 297385, 297385। ठीक है, तो ये भी मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, ये भी मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, तो कौन सा अच्छा है, तो लिख देंगे ये वाला ज्यादा अच्छा है, बोरो एंड बाय इज बेटर, क्यों, ड्यू टू लोअर पीवीसी। खत्म क्वेश्चन।